स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ये नेट के फर्स्ट पेपर के अंदर जो हमारा आईसीटी का पोर्शन है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उस पार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है और उस पार्ट का जो है एक हिस्सा है ये टॉपिक। अगर मैं बात करूं कि इस कोर्स के बाद ये टॉपिक आपको कहां कहां सहायता देता है, तो कंप्यूटर साइंस विषय से जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये टॉपिक डायरेक्टली जो है वो हेल्प करेगा, क्योंकि उनके कोर्स के अंदर ये टॉपिक है। लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय विषय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उस विषय के अंतर्गत भी आपका ये टॉपिक डायरेक्टली वर्क करेगा। यदि आप किसी भी स्टेट के पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर अगर बाल विकास के अंदर आपका शिक्षा विज्ञान वाला जो सेक्शन आता है या शिक्षा शास्त्र वाला जो सेक्शन आता है उसके अंदर भी आईसीटी का एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के अंदर भी ये आपका जो मैं अभी टॉपिक कराऊंगी ये हेल्प करेगा। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी स्टेट के टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब जगहों पे भी जहां पर भी हम शिक्षा की बात करेंगे और शिक्षा के साथ हम आईसीटी को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो एजुकेशन प्लस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे भी हम दोनों चीज़ों को कंपाइल करके अध्ययन करेंगे, हमारे जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में ये दोनों एक साथ होते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक क्या होगा, लाभदायक होगा। तो आप इस टॉपिक को जो है वो खूब आराम से पढ़िए, मैं बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ाऊंगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस टॉपिक को बहुत हल्के में लेते हैं, तो किसी किसी जगह पे विषय के अंदर पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पे मैटर दिया जाता है, कहीं कहीं पे नहीं दिया जाता है। इवन किताबों में भी गाइडों में भी बहुत कम जगहों पे जो है ये टॉपिक मेंशन होता है, स्पेसिफाइड होता है। तो ये टॉपिक इक्वली आपके सभी टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं की तरह जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी उसी की तरह जो है वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तोड़ करके देखें, अगर इसके शाब्दिक अर्थ में जाएं कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, तो देखिए इसके शब्द का अर्थ जो है हम यहीं पे देख सकते हैं। आर्टिफिशियल को अगर हम लोग देखते हैं तो आर्टिफिशियल हम किसको कहते हैं, कृत्रिम को, ठीक है, या बिल्कुल साधारण सी बोलचाल की भाषा में अगर हम लोग लें तो इसे हम बोलते हैं बनावटी, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, कृत्रिम या बनावटी। और हम इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। तो अगर हम लोग इसका हिंदी जानने की कोशिश करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धि। क्या कहते हैं हम लोग इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं कृत्रिम बुद्धि। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कृत्रिम बुद्धि है, ये तो हमने बिल्कुल साधारण रूप से, बिल्कुल साधारण तरीके से हमारी बोलचाल की भाषा में हमने क्या किया, इसके अर्थ को हिंदी में निकालने का प्रयास किया। लेकिन जब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाते हैं या फिर प्रौद्योगिकी उपागमों में अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं और इसके हिंदी नामकरण पे जाते हैं कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उस बेसिस पे इसको, यानी कि ये जो हमारी कृत्रिम बुद्धि है इसको हम लोग मशीनी बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, मशीनी बुद्धि के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण या हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, कृत्रिम बुद्धि या मशीनी बुद्धि। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों कहा, कई जगहों पे जो है इसे हम
एआई भी बोलते हैं, ठीक है। कई जगहों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल एआई लिखा होता है, तो हम यही क्यों बोलते हैं? क्योंकि मानव के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और ये जो कृत्रिम बुद्धि है ये बिल्कुल मनुष्य के दिमाग की तरह जो है वो कार्य करने की क्षमता रखती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक मशीनीकृत जो है कार्य है, तो जब तक जो है उसका अगर आप संकेत सही नहीं देंगे, या जब तक आप उसकी प्रोग्रामिंग जिस तरीके की जिस लेवल पे करते हैं, आपको रिवर्स में उसी तरीके की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। तो कृत्रिम बुद्धि से तात्पर्य, एक बार आपने कोई प्रोग्रामिंग सेट कर दी, आपने एक दूसरा एक तरीके से दिमाग जो है अपना बना दिया, और वो आपके लिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक उसी तरीके से मशीन के अंदर भी इस तरीके के इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाता है कि जहां पे मनुष्य फिजिकली उपस्थित नहीं हो, कमांड्स के जरिए कार्यों को जो है वो एक सिस्टम के थ्रू करवाया जा सके, या एक डिवाइस के थ्रू करवाया जा सके। इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब यह है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को ही एक तरीके से इंसानी बुद्धि जो है वो प्रदान की जाती है, और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, या उससे हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इंसान अपने डिसीजन लेता है अपने कार्यों के लिए, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी जो प्रोग्राम हम लोग डाल रहे हैं, उस प्रोग्राम के बलबूते पर उस तरीके की बुद्धि का प्रयोग करके समय आने पर कंप्यूटर उस समय विभिन्न प्रकार के अपने तर्कीय प्रक्रियाओं के द्वारा जो है कार्य का क्या करे, निस्तारण करे, या कार्य को आगे तक ले जाए, या कार्य का एक रिजल्ट या परिणाम जो है वो शो करे। तो अब ये जो कृत्रिम बुद्धि है, इस कृत्रिम बुद्धि के प्रयोग में जो है कौन-कौन से तथ्य लिए जाते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले कारक, कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जिनको प्रयोग में लेकर के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का, उससे हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करा सकते हैं। तो ऐसे तीन कारक बताए गए हैं, ऐसे तीन कारक बताए गए हैं जो पहला कारक है उसे हम कहते हैं सीखना, अर्थात लर्निंग। दूसरा जो कारक है उसे हम कहते हैं तर्क करना, इसे हम कहते हैं रीजनिंग। और तीसरा कारक है स्वयं सुधार, स्वयं सुधार करना, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ करेक्शन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास तीन कारक आते हैं। तीन कारक कौन से हैं? पहला कारक होता है सीखना, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर हम देखें कि किन किन कारकों के ऊपर वो वर्क करता है, तो पहला होता है सीखना। सीखना किस चीज को सीखना, उसे क्या क्या चीजें सीखनी होती हैं,
जब हम मशीन का निर्माण करते हैं, जब हम मशीन को असेंबल करते हैं या मशीन को यूज के लिए जब बनाया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के इसमें क्या किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? प्रोग्रामिंग की जाती है। ये जो प्रोग्रामिंग की जाती है, इसमें दो तथ्यों को समाहित किया जाता है। कौन है वो दो तथ्य? पहला होता है नियम, यानी कि कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। और दूसरा है कानून, जिसको हम बोलते हैं लॉ। इसके अंतर्गत हम कुछ नियम और कुछ कानून जो है वो बना करके उस सिस्टम में फीड कर देते हैं, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंप्यूटर इस चीज को सीखे कि हमने क्या नियम बनाए हैं और क्या कानून बनाए हैं। तो सबसे पहला जो उसका वर्क होता है वो क्या होता है? सीखना। क्या सीखना? जो नियम और कानून बनाए गए हैं वो उनको सीखे, सीख करके भविष्य में जहां पे भी आवश्यकता होती है उन नियमों का और उन कानूनों का क्या करे, वो पालन करे। दूसरा हमने कहा तर्क करना। तो तर्क करना यानी कि रीजनिंग का क्या एस्पेक्ट है या क्या प्रयोग है, वो ये है कि ये जो नियम हमने सिखा दिए कंप्यूटर को या नियम जो उसने सीख लिया है, अब जहां पे भी आवश्यकता अनुसार नियमों तथा कानून का पालन करके सिस्टम एक सकारात्मक परिणाम की तरफ अग्रसर होने के लिए सही राह का चुनाव कर सके। ठीक है, तर्क की प्रक्रिया में क्या हुआ कि जो भी समस्याएं आती हैं, बेसिकली अगर हम लोग कंप्यूटर में देखें तो कंप्यूटर में क्या होता है, समस्याएं कंप्यूटर लेता है और हमें परिणाम देने का प्रयास करता है। तो जो भी समस्याएं आई हैं, जो पहला पार्ट है वो क्या है, सीखने का था, जिसमें नियम और कानून उसने सीख लिया था, और सीखा इसीलिए था कि कभी अगर कोई समस्या आए तो उसको किस तरीके से कंपाइल किया जाए, कौन से नियम किस लेवल पे या किस स्ट्रेटेजी के साथ जो है उसका सोल्यूशन किया जाए। तो अब जो उसको सिखा दिया गया है उसके बेसिस पे समस्याओं के अनुसार क्या करेगा, आवश्यकता के अनुसार जो है वो अपने नियम और कानूनों का पालन करके तर्क करेगा, विचार विमर्श करेगा कि किस तरीके से हम लोग क्या प्रयोग में लेवें या कौन सा कार्य करें जिससे सकारात्मक परिणाम या जो निष्कर्ष चाहिए, जो इनपुट डालने वाला व्यक्ति है या इनपुट जिस चीज का निष्कर्ष चाहता है, आउटपुट में हम वो निष्कर्ष देने का प्रयास करें। तो ये क्या होगा हमारा, तर्क करना। और तीसरा आता है स्वयं सुधार, यानी कि स्वयं में सुधार करना, सेल्फ करेक्शन करना। सेल्फ करेक्शन से तात्पर्य अगर कहीं पे यहाँ पे चूक हुई, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हुई, अगर कहीं कोई रूल्स या कहीं पे कोई रेगुलेशन या कहीं पे कोई प्रोग्रामिंग बिखरती है जो बिल्कुल हमारे जो समस्या है उसके बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट देती है, तो अगर आवश्यकता महसूस हो तो एक दूसरा कोई कोडिंग या एक कोई दूसरा प्रोग्रामिंग भी हमारे साइड बाय साइड होना चाहिए जिसके थ्रू हम सकारात्मक रिजल्ट ले सकें। तो इसमें क्या है, अगर
तरह से परिणाम में दृष्टिगत सुधार की आवश्यकता हो तो सिस्टम के द्वारा उस पर निर्णय लिया जा सके। ठीक है, ये तीन पार्ट हमारे पास आए या ये तीन कारक हमारे पास आए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कारक क्या है? पहला कारक है सीखना, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोग्रामिंग के थ्रू फीड किया जाता है उसे वो पूरी तरीके से जान पाता है। दूसरा जो कारक है उसे हमने रीजनिंग कहा यानी कि तर्क करना कहा। किसी भी समस्या के लिए जब कहीं पे कोई चुनाव करना हो कि इस पे हम किस तरीके से वर्क करें, कौन सा प्रोग्राम अप्लाई करें, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, देखिए जिस तरीके से हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए एक निर्णय लेते हैं। निर्णय कैसे लेते हैं? हम बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, हमारे आसपास जितने हमारे पास सिस्टमेटिक वे में जो है उस कार्य को करने के लिए जो उपलब्धताएं होती हैं, जो वातावरण होता है, हम बहुत सारी चीजों को देख करके डिसीजन लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जो सिस्टम है हमारा वो भी तर्क करता है कि इस समस्या के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग फिट रहेगी, कितने समय में होगा और कौन सा मैं लूं। और तीसरा हमने कहा स्वयं सुधार करना। अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं इसके थ्रू ये रिजल्ट अपेक्षित था लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है, तो हम कैसे और अच्छे से जो है इसको निष्कर्ष के अकॉर्डिंग जो है हम लोग एक आउटपुट इनपुट के लिए हम लोग तैयार करें, तो उस पे क्या कर सकता है? वो अपने निर्णय को स्वयं चेंज कर सकता है, कोई दूसरा निर्णय उसके ऊपर ले सकता है। तो ये तीन कारक हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो उसकी कार्य प्रणाली को जो है अग्रसित करते हैं, और इन तीन क्रियाओं के ऊपर, इन तीन क्रियाकलापों के ऊपर जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करता है? अपनी क्रिया प्रणाली को आगे तक कंटिन्यू करता है। देखो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। मान लीजिए आपको एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो वॉशिंग मशीन जब हमें खरीदनी होती है हम क्या करते हैं? अगर हम मैनुअल रूप से जाएं, अगर हम मनुष्य की बात करें, मैनुअली अगर हम जाने की कोशिश करें तो हम अपने पड़ोसी से पूछ सकते हैं, हम किसी जानकार से पूछ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली दुकान पर जाकर के शॉपकीपर से पूछ सकते हैं कि मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है, इसके फीचर्स बताओ। अब प्रॉब्लम वहां आती है जब हमने कभी वॉशिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया, हम फर्स्ट टाइम यूजर बनने वाले हैं वॉशिंग मशीन के। लेकिन जब हम शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे अनगिनत, मतलब वहां पे वैरायटी वैरायटी है वॉशिंग मशीन्स की। पहले तो कंपनी वाइज वॉशिंग मशीन, अलग अलग कंपनीज जो है उसमें डील कर रही हैं, आपको सैमसंग के भी मिलेंगे, एलजी के भी मिलेंगे, पैनासोनिक के भी मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। उसके बाद वेट के अकॉर्डिंग वॉशिंग मशीन, 5 किलो वेट वाली, 6 किलो वेट वाली, 6.5 किलो वाली, 7 किलो वाली, 8 किलो वाली। उसके बाद अगेन फिर उसमें वैरायटी, फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग, तो इस तरीके से देन फिर अगेन फिर उसमें वैरायटी आ जाती है। कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं, कुछ सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, कुछ में आपको जो है कपड़ा धो करके देन कपड़े को वापस इधर ट्रांसफर करना होता है, देन फिर वो खंगलता है, फिर वापस उधर ट्रांसफर करना होता है तो फिर वो सूखता है, और कुछ में आप डाल देते हैं तो धुल भी जाता है, निचोड़ भी जाता है, सूख भी जाता है, आपको सीधा निकाल करके टांगना होता है। तो ये अलग 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 ये जो क्वालिटीज हैं वॉशिंग मशीन की, ये मैंने केवल आपको एक प्रोडक्ट की बात की, हमने केवल एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया, और ये मैं बात कर रही हूं आपसे मैनुअल की, कि अगर हम सर्च करना चाहें तो अगर हम शॉप पे जाते हैं तो इतनी सारी दुविधाएं हमारे सामने खड़ी होती हैं।
ठीक है, अगर हम किसी जानकार से पूछने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए हमने एक से पूछा, हमने दो से पूछा, हमने तीन से पूछा, तो एक दो और तीन लोगों ने हमें तीन तरीके की ही मशीन के बारे में जानकारी दी, बाकी सारी चीजों की जानकारी हमें नहीं मिल पाई। अब हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं। सर्च कहाँ करते हैं हम लोग, हमारे पास कुछ सर्च इंजन होते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ सर्च इंजन होते हैं, जैसे आजकल सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है, गूगल। हम गूगल पे लिखते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है, हम गूगल पे लिखते हैं, सिंपली हम लोग लिख देते हैं वॉशिंग मशीन, और जैसे ही हम इसको लिख करके सर्च पर ओके करते हैं, वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, वॉशिंग मशीन की लिस्ट जो है वो खुल जाती है। लेकिन वॉशिंग मशीन हमें नहीं खोजना था, हमें तो हमारे लिए एक परफेक्ट वॉशिंग मशीन खोजना था, ठीक है, हमें जानना था कि हमारे लिए परफेक्ट क्या होगा। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि हम छह लोग हैं, कि हम छह लोग हैं, यानी कि सिक्स मेंबर्स इन फैमिली, ठीक है, हम लोग छह लोग हैं, तो छह लोगों के हिसाब से मशीन कितने किलोग्राम, यानी कि कितने वेट कैपेसिटी की मशीन जो है वो ली जाए। तो अब हमारे पास जो सर्च का दायरा है वो क्या हुआ, हम सिक्स मेंबर्स के बेस पे क्या करते हैं, सर्च कर सकते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि हमें मशीन 12,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक की चल जाएगी, ठीक है। तो हम अगर ये सर्च डालते हैं, तो जैसे ही हम सर्च पे करते हैं क्या होता है, रुपए के हिसाब से जो है हमारे सामने वो मशीन ओपन हो जाती है। तो ये जो बार 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 आप जो डिमांड कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी डिमांड कर रहे हैं उस सिस्टम से, और सिस्टम आपके सामने सर्च में ले आकर रिजल्ट को रख रहा है, ये क्या है, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, ये पार्ट है। जो आप जैसा डिमांड कर रहे हैं उस तरीके से, वहां पे कोई शॉपकीपर आपको नहीं बता रहा है, कोई दुकानदार आपको खड़ा नहीं है बताने के लिए, लेकिन आपने जैसा सर्च किया उस तरीके से मशीन आपको क्या कर रहा है, रिजल्ट सामने ला करके दे रहा है। यही नहीं, अगर आप देखें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, आपको कहीं दुविधा लगती है, अगर आपको लगता है कि अगर मैंने 12,000 लिखा है और मशीन ने मुझे या सिस्टम ने मुझे सर्च में 13 ऑप्शन बता दिए हैं, मान लीजिए आपके पास 13 ऑप्शन आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फला फला फला, ये 13 ऑप्शन आ गए हैं। अब ये 13 ऑप्शन 6 मेंबर्स के हिसाब से भी बता दिए, आपकी पॉकेट के हिसाब से बता दिए, आपने बोला ग्रे कलर में चाहिए, चलो जी ग्रे कलर में भी बता दिया, आपने कहा कि ये फ्रंट लोडिंग होनी चाहिए, चलो फ्रंट लोडिंग भी बता दिया। लेकिन अब 13 में से भी तो आपको चॉइस लेना है, 13 में से भी आप क्या चुनेंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल असिस्टेंस है, ये आपको इन 13 की क्या करता है, रेटिंग बताता है, जो ऑलरेडी पहले से जो है वो क्या होती है, लोग विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग करते हैं, प्रयोगों के अनुसार वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। प्रतिक्रिया किस रूप में व्यक्त करते हैं, रेटिंग्स में, कमेंट्स में एंड लाइक में, ठीक है। जैसे कि हमारे YouTube के स्टूडेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं वीडियोस में, अगर हम लोग देखें तो वीडियोस के अंदर जो आप प्रतिक्रियाएं देते हैं वो क्या है, वो आप एक मैनुअल प्रतिक्रिया ही दे रहे हैं, बट जो आप मैनुअल प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उस प्रतिक्रिया को डेट वाइज टाइम के हिसाब से, ये सब क्या है, ये सिस्टम जो है असेंबल करता है, और असेंबल करके मुझे शो कर रहा है कि अभी इसी समय किसी ने जो है कमेंट किया, इतने बजे इस टाइम पे कमेंट किया, इस नाम से है, ये आईडी है, ये क्या है, दिस इज
पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धि है उस सिस्टम की, वो मुझे बता रही है कि इस बच्चे ने जो है ये लाइक किया है, इस बच्चे ने कमेंट किया है, इस नाम से ये आया है, किसी भी तरीके का कोई पोस्ट होता है। अगर मान लीजिए किसी वीडियो को हम लोग व्यू कर लेते हैं, किसी वीडियो को अगर आप व्यू कर लेते हैं, व्यू करने के पश्चात अगर कोई दूसरा वीडियो उस चैनल पे अपडेट होता है, अपलोड होता है, तो कई बार अगर आप चैनल खोलते हैं, चैनल खोलते ही उसके कुछ वीडियोस आपको जो है झलकियों के रूप में नजर आते हैं। ये क्या होता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो मैं यहाँ पे थी, मैं बता रही थी आपको कि रेटिंग, कमेंट और लाइक जो होते हैं, आप एक एक को जो है खूब अच्छी तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसने कितना दिया है। मान लीजिए इस पे 100 रेटिंग है, 100 रेटिंग जो है एवरेज 4.6 पे जा रही है, इस पे 200 रेटिंग है लेकिन एवरेज ये 4 पे जा रही है, इस पे केवल 2 ही रेटिंग है, इस पे केवल 3 ही रेटिंग है, इस पे 1 है, इस पे 600 रेटिंग है लेकिन 600 रेटिंग का एवरेज 2 ही जा रहा है, तो कौन सा बेटर होगा? तो मुझे जहां तक समझ में आएगा मैं इस रेटिंग को फॉलो करूंगी। 200 लोगों ने, 200 कस्टमर्स ने रेटिंग दी है और अगर ओवरऑल 4 आ रहा है तो ये मेरे लिए प्रायोरिटी होगा, फर्स्ट होगा, और सेकंड ऑप्शन मेरे लिए ये बैठेगा। अगर इसमें कहीं कोई किसी तरीके की गुंजाइश ऐसी होती है जो मेरे पैरामीटर या मेरे लिए अप टू द मार्क नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगी, इसको छोड़ करके ये ऑप्शन भी अपना बना सकती हूँ। आजकल एक और एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, फेसबुक सभी लोग यूज करते होंगे, फेसबुक जो है सभी लोग प्रयोग में लेते हैं, सोशल साइट्स है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसकी फेसबुक आईडी नहीं बनी होगी। देखो फेसबुक पे जब हम आते हैं, फेसबुक में आजकल आपने देखा होगा कि आप कोई भी पोस्ट देखते रहते हैं, पोस्ट देखते देखते अचानक से कोई एक एडवर्टीजमेंट आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होता है। एडवर्टीजमेंट कोई भी एक स्क्रीन पे फ्लैश होता है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आप अचानक से देख रहे थे और अचानक से किसी एक बेडशीट का एडवर्टीजमेंट फ्लैश हुआ, ठीक है। बेडशीट का एडवर्टीजमेंट जैसे ही फ्लैश होता है, आपके सामने स्क्रीन पे आया और आपने उसको क्लिक किया, आपने खोल के देखा कि अरे बड़ी सुंदर बेडशीट है, और देखते हैं साइज क्या है और कितने की है, सस्ती है, महंगी है, कितने दिन में मेरे यहाँ डिलीवर्ड हो जाएगा। जैसे ही आपने उसको खोल के देखा, उसके बाद आपको नहीं समझ में आया, हो सकता है आपको समझ में आया तो आपने खरीदा, नहीं समझ में आया तो आप स्क्रीन से बाहर आ गए, आप अपने फेसबुक के चैट्स पढ़ने लगे। लेकिन भाई साहब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे वर्क कर रहा है बेटा। जब जब आप फेसबुक खोलेंगे तब तब बेडशीट्स के जितने भी ऑफर चल रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, या आपके एरिया में किसी ने अगर एड चला रखा है, पेड चला रखा है, या किसी ने एडवर्टीजमेंट बना के चला रखा है, तो बेडशीट वालों के जो है अलग अलग कंपनीज के क्या होंगे, आपको जो है हर 4-5 पोस्ट पे एक बेडशीट का जो है वो दिखता रहेगा। सेम ऐसे बिल्कुल ऐसे होता है अगर आपने एक कुर्ती का, अगर गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, अगर एक कुर्ती उन्होंने सेलेक्ट कर दिया तो उसके बाद शहर में एरिया के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, जहां जहां भी स्कीम्स आएंगी आपको वो जरूर नोटिफाई करेगा, अलग अलग से उठा करके आपको वो दिखाएगा कि यहाँ पे देखो ये कुर्ती है। क्यों दिखाएगा? क्योंकि आपने एक बार सर्च किया है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धि है, उसको ये जहन में आ गया कि अच्छा इसको कुर्ती चाहिए थी, अच्छा इसको बेडशीट चाहिए था, तो उसको लगता है जहां जहां दिख रहा है चलो ये भी ऑप्शन इसको बता दे, वो भी ऑप्शन उसको बता दे, वो भी उसको बता दे, तो वो आपको क्या करता है इसके बारे में बताता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ रहे हैं इसके प्रकार क्या है, ठीक है। यहां पर हम लोग आते हैं कृत्रिम बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ AI। इसके दो प्रकार बताए गए हैं, वीक और नैरो AI, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग और
जनरल एआई, अर्थात कमजोर या संकीर्ण कृत्रिम बुद्धि। दूसरा है मजबूत या सामान्य कृत्रिम बुद्धि। ये जो है दो प्रकार हमारे सामने आए कृत्रिम बुद्धि के, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने कहा वीक या नैरो। वीक या नैरो यानी कि कमजोर या संकीर्ण हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि इनको जितना हमने बनाया है या इनकी प्रोग्रामिंग जितनी होती है, ये केवल उतना ही वर्क कर सकते हैं। इनका दायरा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये कमजोर क्यों माने जाते हैं, सबसे बड़ा अगर हम लोग देखें तो इसका सबसे बड़ा पॉइंट होता है इसका दायरा सीमित होता है। क्या होता है, सीमित होता है। जितना कहा जाता है या जितना प्रोग्राम्ड है केवल ये उतना ही वर्क करेगा, ये उससे अधिक जो है प्रयास नहीं करेगा किसी भी तरीके के कार्य के लिए, किसी भी तरीके की सूचनाओं के लिए, किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए। ये अपनी तरफ से तर्क नहीं करेगा। अगर कोई प्रोग्रामिंग से बाहर की सूचना है ये एंटरटेन नहीं करेगा। प्रोग्रामिंग के अंदर ही जितने तथ्य हैं ये उनको कैलकुलेट करेगा, उन्हीं के साथ गणनाएं करेगा और उन्हीं का आउटपुट हमें ये देगा। अगर इसके बाहर का कोई तथ्य है तो ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं करेगा। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, कमजोर कहते हैं, संकीर्ण मतलब इसको हम नैरो कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमने कहा स्ट्रांग या जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मजबूत या सामान्य कृत्रिम बुद्धि। तो मजबूत या सामान्य कृत्रिम की बात जब की गई है तो विभिन्न वैज्ञानिक अभी इस पर कार्य कर रहे हैं, इस पर कार्य किया जा रहा है और ऐसे प्रोग्राम डेवलप करने की योजना बनाई जा रही है, या वैज्ञानिक इस क्षेत्र में इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जैसे इंसान है जो अपना कार्य करता है, निर्णय लेता है, ठीक उसी तरीके से इंसानों की बुद्धि की तरह ही, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट ही बुद्धि वाला जो है वो सिस्टम निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धि भी बिल्कुल जनरल बुद्धि लगे, सामान्य बुद्धि लगे, इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मजबूत या सामान्य कृत्रिम बुद्धि। लेकिन अभी इस पे कार्य किया जा रहा है, इस तरीके की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण अभी भी नहीं हो पाया है। और जहां तक वैज्ञानिकों का है, वैज्ञानिक इस प्रकार की कृत्रिम बुद्धि के निर्माण से पहले इस बुद्धि के प्रयोग में आने वाली बाधाओं पर कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों जरूरी है बच्चों, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो हमने कृत्रिम बुद्धि इस तरीके की बना दी जो कि मजबूत भी हो और मतलब स्ट्रांग भी हो और किसी भी तरीके से सामान्य भी हो, एक सामान्य मनुष्य की तरह उसकी बुद्धि चले। लेकिन अगर हमने ये प्रोग्रामिंग नहीं किया कि किसी भी घड़ी अगर आवश्यकता पड़े तो वो अपने डिसीजन चेंज करे, या किसी भी घड़ी वो अपने डिसीजन में थोड़ा सा झुक जाए, अगर हमने ये नहीं किया
तो कहीं ना कहीं जो मानव मस्तिष्क है उसको एक बड़ा झटका ये मशीन दे सकती है। तो कहाँ कहाँ पे किस तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहाँ पे उसको रोका जाना है, कहाँ पे उसको थोड़ा झुक जाना है, कहाँ पे अग्रेशन में डिसीजन लेना है या सूचनाओं को ध्यान देना है, इन सबको देखते हुए सर्वप्रथम उसको हैंडल कैसे करेंगे और हैंडल करने में बाधाएं कैसी आएंगी, उन बाधाओं पे पहले जो है वो कार्य किया जा रहा है। देन इस तरीके के जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्य किया जाएगा। तो ये हमारे जो है दो प्रकार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब आपने ये दो प्रकार देख लिए, जैसा कि हमने ये बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग या जर्नल जो है ये अभी इस पे कार्य चल रहा है, लेकिन ये जो पहला हमारा है वीक और नैरो, इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है परीक्षा की दृष्टि से जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण, आजकल जो प्रेजेंट हमारा जो ट्रेंड चल रहा है या आधुनिकतम समय में जो है, तीन हमारे जो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये तीन कौन कौन हैं? सबसे पहला नंबर वन पे सीरी, बहुत ही फेमस है सीरी। बहुत सारे लोग इससे अवेयर होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज में लेते हैं। क्या है सिरी, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इसे एप्पल कंपनी के द्वारा अक्टूबर 2011 में निर्मित किया गया। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है इसका? आईफोन, आईपैड, मैक पर, एप्पल टीवी पर, इन सारी जगहों पर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो सिरी की अगर हम लोग बात करें तो सिरी क्या है, बेसिकली ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरीके से है, आईओएस है, और इसे एप्पल कंपनी के द्वारा 12 अक्टूबर 2011 में निर्मित किया गया था, जिसका उपयोग एप्पल जो हमारा ब्रांड है, एप्पल कंपनी के ही जितने प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जितने भी उत्पाद हैं, उन सभी में इसका प्रयोग जो है लगभग लगभग किया जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है प्रयोग करते हुए और बहुत सारे जो अनअवेयर हैं। अब जैसे कोई भी अगर आप इससे सिरी से अगर आप कुछ भी कहते हैं, हे सिरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ, तो सिरी जो है वो तुरंत चालू हो जाती है। हे सिरी भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, वो तुरंत बता देती है। तो इस तरीके से जिस तरीके के क्वेश्चंस आप करते हैं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में है, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में हम लोग इसको रखते हैं, क्योंकि जितनी प्रोग्रामिंग इसके अंदर है ये केवल और केवल उतना ही आंसर दे सकती है। ये जो है एक आर्टिफिशियल बुद्धि जो है वो क्रिएट की गई है, जो आपको तत्कालीन क्षण में जो है इंस्टेंट आपको रिप्लाई कर सके, लेकिन इसके दायरे में सब कुछ नहीं है। यानी कि अगर आप इससे पूछते हैं कि मेरे बेटे की शादी कब होगी, तो शी इज नॉट पंडित जी, ठीक है, इसको ज्ञान नहीं है कि आपके बेटे की शादी कब होगी। लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि इस राशि का इस ग्रह से डेट ऑफ बर्थ ये है, इसकी मैचिंग कौन सी लड़की सही होगी, तो सिरी क्या करेगी, पूरी एक लिस्ट जो है, जो मैट्रिमोनियल की लिस्ट होती है, वो सामने आपके जो है वो ला करके खोल देगी। अब आप उसमें से सेलेक्ट कर लो आपके लिए कौन सी पसंद है। तो ये क्या है, नैरो या फिर हम संकीर्ण इसको इसीलिए रखते हैं कि जितना इसका सीमित क्या है, बहुत इसका जो क्षेत्र है या इसका दायरा क्या है, सीमित है। जितना इसमें प्रोग्राम्ड है केवल उतना ही हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरा आते हैं सेकंड नंबर पे गूगल असिस्टेंट, ये भी बहुत ही फेमस
एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल गूगल असिस्टेंट जो है मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा पॉपुलर, अगर मैं देखूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। इनफैक्ट कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, तो अगर हम देखें अगर ओएस के ऊपर चल रहे हैं तो सीरी सबसे बेस्ट है, और अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर चल रहे हैं तो गूगल असिस्टेंट सबसे बेस्ट है। आप किसी भी काम के लिए जो है अगर आप बोलते हैं हे गूगल, स्ट्रॉन्ग का हिंदी मीनिंग क्या है, तो तुरंत जो है वो गूगल आपको स्ट्रॉन्ग का हिंदी मीनिंग तुरंत वहां पे मजबूत लिख देगा। और वहां पे एक प्यारी सी क्यूट सी आवाज भी आती है, प्यारी सी, आप बच्चों को मैंने सुना है कि आंटी जी बोल रही हैं, तुरंत वो वॉइस जैसे आपका लिखा हुआ आता है कई जगहों पे उसी तरीके से वो प्रोनाउंस भी करते हैं मजबूत, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, गूगल असिस्टेंट भी जो है हमारा सेकेंड अगर हम लोग देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे क्या है भाग है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं, गूगल के द्वारा निर्मित है ये, गूगल के द्वारा 18 मई 2016 को निर्मित हुआ। इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, एंड्रॉयड, क्रोम ओएस, स्मार्ट डिस्प्ले, स्मार्ट स्पीकर्स, हेडफोन्स, इत्यादि, ठीक है। तो ये हमारा जो गूगल असिस्टेंट असिस्टेंट है, इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा ये निर्मित है, तो खुद गूगल के द्वारा जो है ये बनाया गया है, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है, 18 मई सन 2016 में, ठीक है, 18 मई 2016 को जो है इसे बनाया गया। इसका प्रयोग जो है कहाँ पे होता है, एंड्रॉयड पे हो रहा है, क्रोम ओएस पे हो रहा है, स्मार्ट डिस्प्ले के लिए हो रहा है, स्मार्ट स्पीकर्स के लिए हो रहा है, हेडफोन्स के लिए हो रहा है, मैक ओएस के लिए भी होता है, बहुत सारे ऐसे और भी जगह हैं जहाँ पे इनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और एक हमारे पास तीसरा नाम आ रहा है आजकल जो प्रचलन में है, इसको हम कहते हैं कोर्टाना। कई कई लोग कोर्टाना भी कहते हैं, कई कई लोग कोर्टाना भी कहते हैं। तो ये कोर्टाना जो है ये किसके द्वारा निर्मित है, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2 अप्रैल 2014 में निर्मित किया गया। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है या प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं, उपयोग स्काइप, विंडोज 10, अमेजॉन एलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट बैंड, विंडोज, चैन मोबाइल, ईटीसी, ठीक है। तो अगर हम लोग कोर्टाना की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये 2 अप्रैल 2014 में बनाया गया था, जिसका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग, स्काइप के अंदर करते हैं, विंडोज 10 के अंदर करते हैं, अमेजॉन के अंदर एलेक्सा, अगर आपको ध्यान हो एलेक्सा भी अगेन आर्टिफिशियल वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एलेक्सा से जैसे आप क्वेश्चन करेंगे या जिस तरीके का आप इनपुट वहां पे डालेंगे आपको आउटपुट प्राप्त होगा।
माइक्रोसॉफ्ट बैंड, विंडोज 10 मोबाइल जो आपके पास आते हैं, इन सब में क्या है, इस तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हैं। तो अगर हम लोग देखें प्रकार की बात करें तो बेसिकली दो प्रकार की कृत्रिम बुद्धि हमने देखा, पहला वीक और नैरो और दूसरा स्ट्रांग या जनरल। तो वीक या नैरो में ये तीन प्रकार के अभी लेटेस्ट हैं ये, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा एक डेटा जो है वो मिल जाए। तो ये हमारा क्या है आज का टॉपिक था जो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं इसके एक दो क्वेश्चन आपको अभी करा देती हूँ जो आपके लिए बहुत सहायक होगा। चलिए क्वेश्चन वन, कृत्रिम बुद्धि है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी मशीनी या डी तृतीयक। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कि कृत्रिम बुद्धि है, क्या है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, बी है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, सी लिखा हमने मशीनी यानी कि मशीनरी, या फिर डी हमने लिखा तृतीयक यानी कि टर्शरी। तो अब इसमें से कौन सी है कृत्रिम बुद्धि, कौन सी है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ये सब तो है ही नहीं, क्योंकि मशीन जो बुद्धि है उसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये नहीं होता है, जो मेमोरी है उसमें फिर भी ये आते हैं डायरेक्ट। ये फैक्ट बेसिस अपना क्वेश्चन था और फैक्ट जो है हमारा ये कहता है कि जो हमारी कृत्रिम बुद्धि है वो क्या है मशीनी बुद्धि होती है, यानी मशीन के अंदर हम लोग इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। आइए प्रश्न नंबर दो, क्वेश्चन टू, विचार करें अभिकथन जिसको हम लोग बोलते हैं असेसन, कृत्रिम बुद्धि दो प्रकार की होती है, कारण रीजनिंग कृत्रिम बुद्धि को मशीनी बुद्धि भी कहा जाता है। कूट ए ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है, बी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या
नहीं है। सी ए सही है और आर गलत है और डी है ए गलत है और आर सही है। देखिए इस तरीके के प्रश्न जो है वो पहले आया करते थे और अभी भी बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न जो है वो आते हैं। और इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, इन प्रश्नों में विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चयन को लेकर के मैं आपको थोड़ा सा दिशा निर्देश देना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा है विचार करें। विचार करने से तात्पर्य है कि इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से हमें जहन में लेना है और इन दोनों के कंपैरिजन को भी हमें जहन में लेना है। यहाँ पे कहा गया अभिकथन, यानी कि कथन कहा गया, असेशन हमारे पास आया, कथन कहा गया कि कृत्रिम बुद्धि दो प्रकार की होती है। तो विचार इसमें क्या करना है, हमें हमें इस लाइन को यहीं पे विचारित कर देना है कि अच्छा ये सही है या गलत है। तो कृत्रिम बुद्धि दो प्रकार की होती है, होती है, इसको हम यहीं पे क्या कर लेंगे, सही है, बिल्कुल सही है। इसका कारण जो है, कारण भी बता रहा है, यानी कि आर रीजनिंग बता रहा है, कृत्रिम बुद्धि को मशीनी बुद्धि भी कहा जाता है। तो कृत्रिम बुद्धि को हम क्या कहते हैं, मशीनी बुद्धि भी कहते हैं। अगेन ये भी जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, सही है। अब क्या हुआ, हमने दोनों का विचार कर लिया, जो हमारा अभिकथन है और जो हमारा कारण है। हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ के हमें समझ में आया कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हैं, यानी कि सही हैं। अब आइए जो हमारा कूट दिया हुआ, इस कूट से हम क्या करेंगे, अपने आंसर का मिलान करेंगे। कूट ये कह रहा है, जो पहला कूट है वो ये कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, और ये जो है जो ए है वो आर को क्या कर रहा है, व्याख्यायित कर रहा है। तो क्या ऐसा हो रहा है, कृत्रिम बुद्धि दो प्रकार की होती है, तो यहाँ पे तो प्रकार के बारे में कहा गया और यहाँ पे कृत्रिम बुद्धि को मशीनी बुद्धि भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये इसको व्याख्यायित कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रकार में ही आगे अगर यहाँ पे लिखा होता, उसी के प्रकार में, दो प्रकार में से किसी एक प्रकार के बारे में अगर लिखा होता तब ये हमारा ऑप्शन क्या होता, करेक्ट होता है। लेकिन ए आर की सही व्याख्या है, ये जो ऑप्शन है ये क्या है, सही नहीं है। दूसरा हम आते हैं बी है, ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस वजह से हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तीसरे पे भी आते हैं, चूंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, तो ए सही और आर गलत, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी दोनों हमारे सही हैं, ए गलत और आर सही, तो ये भी हमारा नहीं होगा। दैट मीन्स जो आंसर है हमारा वो क्या होगा, बी होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और दोनों में से किसी की कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न, जिनमें स्टूडेंट्स को विचलित होते हुए और बहुत ज़्यादा जो है अगर मानसिक स्तर पे देखा जाए तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस तरीके के प्रश्नों में कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके के प्रश्नों का, आप उतना अच्छी तरीके से इसको हल कर पाएंगे। ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स आते हैं, आप स्टेटमेंट्स को जितना डीपली जान सकें, जितना समझने का प्रयास कर सकें, उतना आपके प्रश्न के उत्तर को खोजने में क्या होगी, आपको आसानी होगी। तो स्टेटमेंट्स को आप समझ करके उसका विचार उसी समय पढ़ते समय ही आप उसको पहले यस या नो, करेक्ट या इनकरेक्ट, इस तरीके के जो
तर्क होते हैं, ये आप क्वेश्चन पढ़ते साथ ही अभिकथन का क्या आया, अभिकारण का कारण का क्या आया, तो असेसन और रीजनिंग दोनों को पढ़ने के बाद जो स्टेटमेंट का आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सच है, झूठ है, ये जो जिस तरीके के तर्क होते हैं आप उसी समय वहां पे डिफाइन कर लिया कीजिए। तो जब आप आंसर्स में आएंगे, जब आप कूटों में आएंगे, यानी कि कोर्ट्स को जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको आंसर खोजने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये टॉपिक मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेशली लिया, ये नेट फर्स्ट पेपर के हिसाब से लिया था, लेकिन ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आने वाली है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। और आगे भी इस तरीके के टॉपिक्स जो कि सभी के लिए लाभदायक हों, मैं प्रयास करूँगी कि ऐसे टॉपिक आप लोगों के सामने जो है वो लाती रहूँ। कैसा लगा आपको, कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके का सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो